हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका केसी सिन्हा का 15 एक्सरसाइज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कल होमवर्क आप लोग को दिए थे, ये सारा क्वेश्चन दिए थे जो एक जैसा बन रहा था, किए ये सब सारा क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन रहता है, देखिए क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्यू वाला आया है। एक बार इसको इनटू वी में तोड़ के बनाइएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन तो बोलिएगा। सारे एक जैसा हम बना दिए थे कल और होमवर्क भी दिए थे, है ना। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बोलिएगा, बना देंगे। कोशिश अपने से भी कीजिए कुछ, है ना। सारा क्वेश्चन हम बना देंगे तो आप लोग तेज़ नहीं हो पाइएगा। देखिए आज यहाँ से पढ़ाएंगे, है ना। यहाँ से अलग क्वेश्चन है, यहाँ से जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछता है, जितना पूछना था पीछे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, है ना, कि एनी इंटरवल डिजॉइन फ्रॉम दी है प्रूव दैट। खाली प्रूव करना रहता है इंक्रीजिंग, फिर प्रूव करना रहता है इंक्रीजिंग 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 फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन देखिए इधर से आता नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि आप प्रूव करके दिखाइए कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे प्रूव करेंगे? डेरिवेटिव करते हैं। एक्स का 1 हो गया और 1/x का -1/x² हो गया। अब नाउ f(x) = बड़ा होगा, मतलब ये जो है से बड़ा हो जाएगा। कब बड़ा होगा? तो इंक्रीजिंग, और छोटा होगा तो डिक्रीजिंग। तो ये 0 से बड़ा होगा। बोलता है कि यहाँ कोई भी नंबर बैठाइए, -1 और 1 के बीच में कोई नंबर यहाँ बैठाइए, तो ये हमेशा प्लस में आएगा। देखिए यहाँ 0 बैठा दीजिए तो 0 ही खत्म हो गया, तो 1 बच गया। मतलब कहने का मतलब है, -1 और 1 के बीच में कोई भी संख्या यहाँ बैठाएंगे तो ये हमेशा क्या आएगा? प्लस में आएगा। इसीलिए प्लस में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि f(x) जो है से 0 से बड़ा होगा। 2 बैठाएंगे फिर बढ़ते जाएगा, यानी इसे बड़ा आएगा, है ना। तब हम कह सकते हैं यहाँ पर, देखिए दिया हुआ, देयरफॉर f(x) इज ए एक्सट्रली इंक्रीजिंग। इससे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इंक्रीजिंग आप लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन इन -1 और 1, कहता है कि -1 और 1 के बीच में अगर हम कोई भी संख्या यहाँ बैठाएंगे तो हमेशा प्लस में आएगा, इसलिए जो फंक्शन है से इंक्रीजिंग होगी। ये देयरफॉर है, नाउ है। उसी तरह क्वेश्चन है 5 नंबर में, कहता है ये क्वेश्चन है, बताइए कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्रूव करके दिखाइए, है ना। कैसे प्रूव कीजिएगा? देखिए प्रूव कीजिए। तो ये है क्वेश्चन, आप क्या करना है कि 7 हो गया, x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया, तो ये 7 आ गया। तो क्या देखें कि यहाँ तो x है नहीं, तो ये तो फिक्स है कि 0 से बड़ा है। तो नाउ f(x) 0 > 0 यानी 0 से बड़ा हो गया। ऑन r मतलब कोई भी रियल नंबर नंबर। देयरफॉर इसलिए f इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, बड़ा हो जाएगा 0 से तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और यही चीज़ 0 से छोटा हो जाएगा f(x) तो डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए पीछे कल होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, इनटू भीम तोड़िएगा इसको, है ना। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा सो बोलिएगा, बना देंगे। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन, इसमें ये 6 नंबर क्वेश्चन है, सभी एक ही जैसा है। तो f(x) करेंगे 3x² 12x, यार ये 12x का 1 ये हो गया। f(x) क्या होगा इसमें? तो देखिए x का जगह कोई भी वैल्यू बैठा के देखिए, पहले 1 बैठाएंगे तो 3 और यहाँ 1 बैठाएंगे तो 12, तो 12 और 3 हो गया 15, 15 में 12, तो जो भी बचेगा प्लस में बचेगा। कहने का मतलब है कि f(x) जो है सो 0 से हमेशा बढ़ाएगा, कोई भी रियल नंबर r मतलब कोई भी रियल नंबर बैठाइए x का जगह तो हमेशा 0 से बढ़ाएगा। देयरफॉर तब हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन, एकदम सेम है क्वेश्चन, उसी तरह ये आप लोग बना लीजिएगा, है ना। ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर है यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह एक्स क्यू है, 3x² है, 3x है, एक्स बिलोंग्स टू आर है, है ना। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, f(x) ये है डेरिवेटिव। आप क्या है, x का जगह कभी भी बैठा के देखिए तो हमेशा 0 बराबर ही आएगा, ये 0 से बढ़ाएगा। तो 0 के बराबर या 0 से बढ़ा गया तो समझ जाइए इंक्रीजिंग फंक्शन है। r के जगह कोई भी r मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर,
कोई भी संख्या एक्स की जगह बैठाइए हमेशा बढ़ाएगा। देयर फॉर एफ इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। छोटा छोटा क्वेश्चन था। उसी तरह 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है, ये आप 10 नंबर क्वेश्चन से चेंज है थोड़ा सा, है ना। आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिखा देते हैं। ये है 10th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? गिवेन दैट कॉस एक्स है, कॉस एक्स बताता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या फंक्शन? तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स पहले लिख दिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस साइन एक्स है ऑन जीरो से पाई, यहाँ दो कंडीशन दिया है कि जीरो से पाई में डिक्रीजिंग दिखाओ और पाई से टू पाई में इंक्रीजिंग दिखाओ। तो देखिए एफ डैस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो गया। अब एक्स के जगह जीरो से एक सौ सी के बीच में कोई वैल्यू बैठाइए, तो जीरो और एक सौ सी के बीच में कोई भी वैल्यू बैठाते हैं अगर एक्स के जगह पर, तो साइन मान लीजिए ये माइनस में है, तो साइन ये तीस बैठाएंगे, साइन तीस का माइनस हाफ हो जाएगा माइनस के चलते, यानी जीरो से पाए तक कुछ भी बैठाइए माइनस सेम आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया एफ एक्स का वो जीरो से छोटा आएगा। और जब जीरो से छोटा आएगा इन जीरो और पाई के बीच में, जीरो से छोटा आएगा एफ एक्स, एफ डैस, एफ डैस अगर जीरो छोटा हो गया तब हम कह सकते हैं, इसलिए यहाँ एफ लिख सकते हैं या तो कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स इज ए डिक्रीजिंग। जीरो से छोटा हो गया तो डिक्रीजिंग, और ये जीरो से बड़ा हो गया तो इंक्रीजिंग। किस पॉइंट पर? यहाँ दिया हुआ है। अब आइए देखिए क्वेश्चन, है ना, फिर वही क्वेश्चन है, इसी का दूसरा रूप है। दूसरा रूप में क्या बोला था कि इंक्रीजिंग दिखाइए, अभी हम डिक्रीजिंग दिखाएं। फिर साइन यहाँ है पाई, पाई से 360, टू पाई मतलब 360 होता है, पाई मतलब 180 होता है, तो 180 से 360 के बीच में कोई भी नंबर बैठाइए आप साइन में, तो माइनस होता है, तो माइनस में बैठाएंगे और ये माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए साइन एक्स का जो भी वैल्यू आएगा जीरो से बड़ा होगा, इसलिए जीरो से जब बड़ा होगा तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। कहीं दिक्कत नहीं ना है? बार बार वीडियो देखिए, चार बार वीडियो देखिए, सारा टोटल डिटरमिनेंट से फिर से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। आप लोग कोचिंग खोलेंगे और टेस्ट लेना शुरू करेंगे, एकदम अच्छा से मेहनत कीजिए, ऐसी नहीं होगा। अभी तो एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि हजारीबाग में जितने भी 12 और 11 के स्टूडेंट हैं, कॉलेज तो खुल गई है ना, आप लोग आइए। और अभी हम अपना रूम में पढ़ा रहे हैं, 10-20 लड़का जो भी आ रहा है उन लोग को पढ़ा रहे हैं हम, है ना, और 15 तारीख से कोचिंग में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। 21 तारीख से एकदम ऑल पूरा झारखंड में अलाउ कर देगा कि आप पढ़ा सकते हैं, सारा कॉलेज भी खुल गया। फर्स्ट ईयर का 18 तारीख से सभी कॉलेज में एग्ज़ाम भी है 12 का, है ना, इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ते रहिए और आइए। जो भी स्टूडेंट हजारीबाग पहुँचे हुए हैं, है ना, तो उन लोग आके मेरा रूम में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी कॉलेज में भी आके पढ़ सकते हैं, माया इंटर कॉलेज में भी अगर सुविधा है उधर आने का तो वहाँ भी आके पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि साइन एक्स है और एक जीरो से पाई बाई टू दिया और पाई बाई टू से पाई दिया, एफ एक्स साइन एक्स, एफ एक्स कोस एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अब कहता है कोस के जगह जीरो और 90 डिग्री बीच में कोई भी बैठा लो, ये हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, इसलिए एफ डैस एक्स इज इक्वल टू जीरो से बड़ा, और जहाँ जीरो से बड़ा वहाँ हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। वह चीज़ है यहाँ पर कि अगर 90 डिग्री से ज़्यादा कोई भी वैल्यू बैठाएंगे हम साइन के जगह पर तो माइनस में आएगा, तो छोटा हो गया, और जब छोटा हो गया तो इसको हम लोग डिक्रीजिंग लिखते हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो हम पढ़ाए एक्सरसाइज, इससे एक क्वेश्चन रहता है, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन उसको हम बताएंगे बाद में, अभी समय बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैक्सिमम मिनिमा कल हम पूरा पढ़ा के। और कल बोले थे कि आप लोग को याद होगा कि 3 तारीख से NCERT हम पढ़ाएंगे, तो NCERT हम पहले 12
मतलब सेकेंड वॉल्यूम पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट वॉल्यूम ऑनलाइन क्लास में पढ़ा देंगे। ये सारा ऑनलाइन क्लास है, इसलिए है ना, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि केसी सिन्हा जो इंटीग्रेशन, उसमें कल से जो पढ़ाएंगे मैक्सिमम मिनिमम ऑनलाइन देने के बाद सेकेंड वॉल्यूम जो पढ़ाएंगे वो सारा एनसीईआरटी का रहेगा और वीवीआई क्वेश्चन केसी सिन्हा का भी रहेगा, है ना। आप लोग अगर बोलिएगा कि सर केसी सिन्हा अभी नहीं पढ़ा रहे आपका है, तो इसलिए कि इंटीग्रेशन उसमें 400 दिया है और 400 में मात्र 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन जो है सो आप एनसीईआरटी पढ़ाएंगे और उसी क्वेश्चन पूछेगा। और किसको ऐसे स्टूडेंट है जिसको केसी सिन्हा से ऑनलाइन चाहिए इंटीग्रेशन या तो पूरा, है ना, तो उसका भी वीडियो है, उसका भी वीडियो भेज देंगे। लेकिन समय बर्बाद करना नहीं है, समय कम है, आप लोग रिवाइज करते रहिए। और सेकेंड वॉल्यूम टोटल एनसीईआरटी प्लस आर एस अरवाल और केसी सिन्हा का वीवीआई क्वेश्चन हम बताते जाएंगे, क्योंकि हमको जान पता है कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो बार बार देखते रहिए, मन लगाइए वीडियो में, थोड़ा सा देखते हैं फिर बंद कर देते हैं ऐसा नहीं। आप 4 बार देखिए, मन लगाइए, एक बार मन लग गया तो फिर जानिए कि फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा, है ना, ठीक है। कल मैक्सिमम मिनिमम बोर्ड में आप बताएंगे, उसके बाद आप सारा टेलीकास्ट होगा, मतलब आप सारा बोर्ड में ही बताएंगे अच्छा से, है ना। इसलिए सेकेंड वॉल्यूम अच्छा से पढ़िए, फर्स्ट वॉल्यूम आपका रिलेशन फंक्शन छोड़े हैं और टेंजेंट नॉर्मल छोड़ रहे हैं, ये दोनों चीज़ जब कंप्लीट हो जाएगा वॉल्यूम तो ये दोनों चीज़ हम बता देंगे आप लोग, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे आप लोग को। दो दो बार होगा, जब भी कोचिंग खुलेगा तो केसी सिन्हा भी चलते रहेगा और एनसीईआरटी का भी अलग अलग बैच 3-4 को चलाएंगे, ठीक है। मेहनत करते रहिएगा, बोलिएगा नहीं, ठीक।